क्या चोरी हुआ है? कितने दिन पहले की बात है? ये 1-2 दिन पहले ले गया। ओह माय गॉड, कोई मसला नहीं, चोरी हो गई है तो कोई खैर। गाड़ी देखिए क्यों कह रहे चोरी हो गई तो खैर। रोते जा रहे हैं, वो भी रो रही है, ये भी रो रही है। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ठीक है, और मैं तेरे वाले तरीके से आज का शुरू कर दूं। मैं तेरे वाले तरीके से शुरू करूँ, ठीक है? चलो इसके तरीके से मैं अभी व्लॉग शुरू करने लगा हूँ। हेलो मैंगो पीपल, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? क्या था भाई? अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू? व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ुल्क़रनैन का व्लॉग। ये सही किया तूने। सुबह सुबह ना नाश्ते के साथ इन लोगों ने लगा ली थी हॉरर फिल्म, तो वो हॉरर फिल्म देखने के चक्कर में मैं भूल ही गया कि भाई ने व्लॉग अपना शुरू करना है। इसलिए अभी लाली भाई के तरीके से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया है। केक रस अच्छे हैं मेरी जान, अच्छे हैं? यस अच्छे हैं। मजा आ रहा है उसको। खाना फिर नहीं, उसने नहीं खा रही है, देखो डमी डमी। नहीं मजा आया उसको, मजा ही नहीं आया। चाची 3 बज गए हैं, उठ जाएं, उठो नाश्ता करो, उठ जल्दी से, उठ शाबाश। मैं भी एयरपोर्ट से होकर आता हूँ वापस। एयरपोर्ट हम लोग जा रहे हैं अपने कराची के मेहमानों को छोड़ने के लिए, और मेहमानों का इरादा है कि इनकी फ्लाइट हो जाए मिस, बिकॉज 5 बजे की फ्लाइट है और 3 बज चुके हैं। 40-45 मिनट का सफर है, ये निकल ही नहीं रहा है। अबे अच्छा मेहमान नहीं, मेहमान नहीं, हम मेहमान है भाई, हम मेहमान है। अबे क्या हो गया, किस बात की लड़ाई चल रही है? बस पैसों की। मुट्ठी रख लो आपा कह रही है, पैसे मैं कह रही हूँ ज्यादा दो। मैं फिर बैंक ही जाती हूँ। चलो ठीक है, चलो निकलना जल्दी। बैंक को शिकायत लगाता हूँ। बैग रख ली है? मैं अपनी बैंक को शिकायत लगाता हूँ। बैग रखेंगे, बैग रख ली। चलो फिर निकले। पर आया था इब्रार को उठाने के लिए और अपना वॉलेट और चार्जर यहाँ ही भूल गया हूँ। अब फिर हमारे ड्रॉप करने वाले लोग नीचे खड़े हैं अपने बैग वगैरह लेकर। चलो आ जाओ। ओहो भाई, हमारे गार्डन से हो चुकी है चोरी। क्या चोरी हुआ है? सारी मेथी लगी हुई थी ना। हाँ, इधर तो लगी हुई थी। कितने दिन पहले की बात है? ये 1-2 दिन पहले ले गया। ओह माय गॉड भाई, सब्जियाँ भी हमारी तो चोरी होने लगी है। अल्लाह खैर ही करे। हाँ जी, चलो यार, चलो बैठो, कोई मसला नहीं, चोरी हो गई है तो कोई खैर। स्टार्ट कर रहा हूँ ना गाड़ी। देखिए क्यों कह रहे चोरी हो गई तो खैर। सारे सरप्राइज इकट्ठे देने जा रहे हैं। क्या मतलब उसके बाद क्या अभी तो इसकी ड्यूटीज शुरू हो जाएंगी ना उसके बाद। मेरा सिर्फ जनवरी का, जब से ये ज़ुल्क़रनैन और कवल बहन कराची गए ना, तब से इसको शौक चढ़ा है सरप्राइजेस का, इंटरनेशनल। हाय माशाल्लाह। नहीं नहीं, मेरा पहले से प्लान था, इसने बचाया मेरा सरप्राइज। अबे कोई तो क्रेडिट दे दे। तो मैंने ना, हां इसने बचाया मेरा सरप्राइज। हां, फ्लाइट्स के इशू की वजह से इनके सेम डेट पे ही जा रहा था मैं। इसने बोला वो कैंसिल हो गया तो तू मेरे साथ अब जाएगा, तो मैंने कहा चल। इनसे ना अपने बच्चों को भी गुर्दी ना दिलवाओ। हाँ, वो एयरपोर्ट पर ही रहेंगे। मैं कवल भाभी पहले मैं से कुर्ती देकर कवल भाभी कर दूंगा, आप चढ़ा दो। बच्चा तुझे नहीं मदद करेगा हर साल किसी को। पापा मैं इसमें नहीं, क्योंकि ये बहन वाला ऐसा ना बोला, बहन भाई अच्छा, ये फिर भी थोड़ा सा हो जाता है कि यार नहीं अभी टूर करके आए। अभी बाकू थे सुन, तो मुझे कहती है ज़ुल्क़रनैन हमारा 30 को इवेंट है, मतलब पैसे आ रहे हैं तो 1st को प्लान कर ले। मैंने कहा घर चल, बस हो गई है अब यार घूम के। न्यू ईयर देखा था, कभी देखा नहीं, चंड मारेंगे तेरे। मैं कहा चलो घर न्यू ईयर देखने जाना। महंगा न्यू ईयर सुबह चला जाता है, एक को आ जाता है। फायदा नहीं है ना, पैसे इतने लगा कर आप 1 दिन के लिए जाएं, और वो 1 दिन के पैसे भी पूरे 2 हफ्ते के ट्रिप होना है दुबई का। हाँ जी, आप ही पीक पे लेने पीक जी। समी शहर के घर से निकलते 4 बज चुके हैं और 5 बजे फ्लाइट है, और मुझे लग रहा है कि इनकी फ्लाइट मिस हो गई, क्योंकि 40 मिनट में पहुंचेंगे। और अगर हो जाएगी तो फिर हम रात को मूवी देखने जाएंगे और खाना खाएंगे। लो ये दुआएं कर रही है। अल्लाह अकबर। 1 चोको ओरियो शेक कर दो बस। ओरियो शेक? हाँ 1 बस। हाँ तो तुमने नहीं आधे सब सीख ले। 1 ही कर रहे हो? हाँ 2 करो। बस का ठीक है, 1 पीना सुनो। आप 2 सैंडविच ले आओ, मेरा सादा वाला ले आना। चलो ठीक है, मैं सैंडविच ले आता हूँ। अच्छा जी, आ रहे थे भागते भागते एयरपोर्ट, और जाते जाते ही खबर मिली है कि 1 घंटा फ्लाइट डिले हो चुकी है, मतलब कि हमारे भाई और बहन की फ्लाइट हो चुकी है डिले। अब कोई सोचा कि रास्ते से यार हल्का फुल्का तो कुछ खाने पीने का सीन कर लेते हैं, तभी फिर मैं जा रहा हूँ सैंडविच लेने के लिए और कमल ने इनके लिए शेक्स ऑर्डर किए। 2 चिकन टिक्का सैंडविच मैंने डन करवा दिए। कुछ और चाहिए? मैंने कहा था मेरा तेरे को भाई मैंने कहा था क्या कहा था? मेरी बहन की पूरी बात सुने, डिसरिस्पेक्ट करते रहते हो मुझे। अब मैंने क्या किया? बात कर रही थी कैमरा उधर लेके। अबे यार एक तो इसके फेस पे ना मैग्नेट चिपका हुआ है, कैमरा इसकी तरफ आ जाता है बार बार। इसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। 2 पानी की बोतल कर दो। 2 पानी की बोतल भी? अच्छा 2 सैंडविच कर लिए, 2 पानी की बोतलें। अच्छा क्या कहा था दोबारा से बताओ। अब नहीं अपनी, अब नहीं मैं ठोक रहा, अपनी ठोक रहा, बताओ। अच्छा बताओ क्या कहा था? एक सादा सैंडविच कहा था मेरे को। सादा सैंडविच? सादा नहीं है फिर इनके पास, वही टिक्के वाले हैं गरम गरम, लेकिन ये फ्रेश बना कर देते हैं। कमल मायो वाला नहीं है ना? आपसे खा लो। मेहंदी वाला होगा, मायो वाला नहीं, मेहंदी वाला होगा। मैं तेरे बकवास किस्म के जोक्स के चक्कर में ना सारा मूड खराब हो जाता है। ये लो भाई शेक तुम लोगों का, ये लो जी भाई तुम लोगों के सैंडविच। तुम लोगों ने पी लिया? यस बॉस। एयरपोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और बैड न्यूज ये है कि फ्लाइट हो चुकी है और डिले। अब फ्लाइट की टाइमिंग हो चुकी है 8 बजे की और मेरी बेगम बेचारी की तबीयत भी खराब हो चुकी है, इसका पता ही नहीं चलता यार। बेचारी के साथ अक्सर ये होता है कि बैठे बैठे इसको पेन शुरू हो जाएगी, सर में दर्द, कभी कभी कमर में दर्द, कभी कभी टांगों में दर्द। अल्लाह ताला मेरी बेगम को सेहत दे, इसके लिए दुआ कीजिएगा, आमीन। चलो भाई चलो, गाड़ी आगे कर ले, वो फेंक देंगे। अच्छा गाड़ी आगे करूं? जी भाई क्या हाल है सर? मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या चलान, अभी तो मैं खड़ा नहीं करूंगा ज़ुल्कर्नैन सर, क्या हो गया? अभी तो एक मिनट, मैंने कहा अभी तो मैं रुकूंगा नहीं करना, मैंने आपको आगे भेजा इसलिए। अच्छा अच्छा मैं जाता हूँ आगे, मैं जाता हूँ, थैंक यू भाई। चलो जी सामान चको निकलो कराची। अब बेचारों को 2 घंटे यहाँ ही एयरपोर्ट पर दलील होना पड़ेगा। उदास हो? चलो ये एयरपोर्ट वाले कम दलील करेंगे जितना इसने किया। मैंने तो नहीं दलील किया भाई तुझे, बस ये कि बहन है मेरी बस, और हाँ, मुझे कोई प्यार और कोई नहीं है, बहनोई के साथ कोई मोहब्बत नहीं। चल फिर बहन को भी उठा और कराची निकल। चलो कमल। अच्छा गाड़ी आगे करो। ओके ओके भाई कर रहा हूँ मैं आगे, 1 मिनट रुक जाओ, गाड़ी आगे कर रहा हूँ। बगैर नहीं कहीं जा सकती मैं। सामान रखा गया लारे भैया का और लारे भैया हो चुके हैं मसरूफ अपनी पिक्चर्स बनाने में। चलो भाई ट्रॉली पकड़ो और निकलो, चलो चलो चलो, शाबाश बाय बाय। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, वो भी रो रही है ये भी रो रही है। दादा रो, मेरा भी रोना निकल जाएगा। तो ये भी रोने वाला है, रोने वाला है, रोने वाला है। चलो यार बस करो, क्या कर रहे हो? मैं ऐसे जाऊंगा ऐसे आऊंगा, जितने भी दोस्त बनाओ सारे। क्या हुआ है, पागल हो गई हो तुम? मैं नहीं हूँ तुम्हारा दोस्त, मैं हूँ ना यार। हाँ बिल्कुल फैमिली वही, मैं भी रो रही है पागल। उस्ताद मुझे जाते हुए भी इधर ही छोड़ कर गया था, अभी वापस आया तो तब भी इधर ही है। अबे काम कर रहा हूँ भाई। क्या काम कर रहे? अपना काम, बड़े काम होते हैं और क्या करते हैं? बड़े काम होते हैं, बस सोशल मीडिया यूज किया जाता है। 11 बजे क्रिकेट खेलने जाना, मैच है रात 11 बजे। कौन सी टीम के साथ? ये इधर बैरिया की टीम। बैरिया की? बस उनको फोन करके कह देना इस दफा बड़े लड़के ना ले, लास्ट टाइम बड़े बड़े मुंडे लाए सी, असी फिर हारा है इसी बस, और क्या कर सकते थे। इब्राल कर रहा है आराम, अभी इंतजार है अम्मा अब्बा और नकाश भाई का, बिकॉज वो लोग भी गुजरात से यहाँ आ रहे हैं। और ना मैंने ना अम्मा अब्बा के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का सरप्राइज रखा हुआ है, जो की आज दूंगा या फिर कल दूंगा। आज तो शायद पॉसिबल हो भी जाए या फिर ना पॉसिबल हो सके, बिकॉज अभी उस सरप्राइज की कंफर्मेशन नहीं मुझे हो पाई। जब भी कंफर्मेशन हो जाएगी ना तब फिर वो सरप्राइज दूंगा। मतलब कल का तो डन है ना यार, इंशाल्लाह कल तो सरप्राइज मैं देने ही वाला हूँ। और कल सरप्राइज मेरा आज वाला, मतलब आज जो अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये लगेगा कल 3-4 बजे तक। तो फिर ये सीन है कि कल के 3-4 बजे से पहले पहले मैंने अम्मा अब्बा को सरप्राइज देना, बिकॉज वो फिर व्लॉग देख लेंगे, व्लॉग के बाद वो मुझसे पूछेंगे कि बेटा जी क्या सरप्राइज है जो तुमने हमें देना था। बल्कि यही करता हूँ, व्लॉग लगा दूंगा, व्लॉग लगाने के बाद वो जब भी व्लॉग देखेंगे बाद में मेरे से पूछेंगे कि वो कौन सा सरप्राइज है जो तुम हमें देना चाह रहे हो, तो फिर वो सरप्राइज आउट करेंगे। ठीक है ये वाला प्लान ज्यादा अच्छा ना। वो कहती है मैंने ही खोलना है ताला, लाओ बाबा को दो, बाबा को दो, माँ लाओ बाबा खोलते हैं, बाबा को दो, बाबा को दो, बाबा लॉक खोलते हैं ना। ओ बाबा बेटा चाबी नहीं दोगे तो लॉक कैसे खोलेंगे? पता नहीं क्या बातें करती है ये माशाल्लाह। दे 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 दो दो बाबा को दो दो ना चाबी है तो दो। लो वो नीचे गिर गई। किधर गिरी है? किधर गिरी है चाबी? चाबी किधर गिरी है? किधर गिरी है? मिल ही नहीं रही यार, पता नहीं किधर गिर गई है। चलो इसको लगा दिए इसके चक्करों में। ये लो जी लॉक खोल दिया मैंने। अब जाओ और सो जाओ। बाहर क्यों ले आए हैं? उसका सोने का कोई इरादा ही नहीं है। मैं सो जाऊंगी, वो नहीं सोएगी अभी। चलो जी शाबाश ये बेटा जी। चलो फिर बैठ जाओ बेटा जी। सोना नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन शाबाश है भाई। गिरने लगा था मैं। ये गद्दी किसने गिराई है नीचे? इधर बेटा मामा की घड़ी भी टूट जाएगी और रबी बाबा की लत लुट भी टूट जानी थी। ओ वो चेक करो चार्जर के साथ पंगे बाजी। शुक्र है स्विच बंद है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस सही है, सही है, बहुत होगी, बहुत होगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसको मुंह में नहीं डालते यार। इस बच्ची ने ना जब से ये हल्का फुल्का सा चलना शुरू किया है ना, तब से बस ये आगे आगे और हम इसके पीछे पीछे। ओए कुकू क्या कर रहे हैं? अरे यार कुकू का घर तो बड़ा कमाल कर दिया सादिक भाई आपने। क्या बात है, कंबल शंबल लगा दी है और पहले से ज्यादा प्यारा भी हो गया। ये कितने का कंबल लेकर आए थे आप? 300 का। ये 300 का ऊपर जो अंदर लगा हुआ है वो 100 का। अच्छा हाँ। किधर से? हफ्ता बाजार से। इतना सस्ता? ये 2 कंबल लगाए हैं आपने? तेरी खैर। अच्छा 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 अच्छा। एक अंदर लग गया और एक बाहर लग गया, 2 कंबल लगे। और अब कुकू का घर एक तो गर्म भी हो गया है और ज्यादा खूबसूरत भी हो गया है। बाहर से अंदर से भी अच्छी फील आ रही है। चलो अच्छा है, बिकॉज जितनी तरह ठंड है ना, इसको ठंड लगने का खदशा थोड़ा थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा था। वैसे तो कुकू बर्फानी जानवर है, इसको ठंड शंड की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी यार इसको 1 साल हो गया पाकिस्तान आए हुए, तो एटमोसफेयर ये लोग ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उस लिहाज से शायद इसको ठंड लग भी सकती थी। तो मैंने एहतियात पहले से ही करवा ली है। आज तो मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज मैंने एयरपोर्ट जाना था और एयरपोर्ट से आकर भी 1-2 एक्टिविटी थी जो कि आज करनी थी। फिर मैंने सादिक भाई को कहा कि सादिक भाई आप ना ये वाला काम यार आज जरूर कर लेना। तो सादिक भाई कंबल लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सेक्सी किस्म का, और लगा भी दिया। और आज पूरे दिन में सादिक भाई ने ना तफ्तीश भी किया है कि हमारे घर से आखिरकार मेथी कौन चोरी करके ले गया था, लेकिन चोर अभी तक पकड़ में नहीं आए। यार जिसको चाहिए थी पूछ कर ले जाता, हम लोगों ने थोड़ी ना मना करना था। अब सब्जियों की भी चोरी शुरू हो गई है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारे घर ना सब्जियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी किस्म की लगना शुरू हो चुकी हैं। ये चेक करो ना, आय हाय हाय, मूलियाँ भी बड़ी जबरदस्त किस्म की लग रही हैं। और ये क्या लगाया था? ये तीसरे वाला ये बंद गोभी है। ओए इसका भी अच्छा फूल बन रहा है यार। ये सलाद के लिए रेडी हो रही है ना चीजें। हाँ ये तो वो सलाद वाला जो होता है पत्ता, क्या कहते हैं इसको? लगा दिया है। इसको सलाद पत्ता कहते हैं। सलाद पत्ता है ना। ये भी बड़ा खूबसूरत किस्म का उग रहा है। और वो प्याज है? नहीं वो लहसुन है। हाँ और वो साथ में हरा धनिया। और ये जो है ना ये वाला रेड वाले मूलियाँ होती है ना छोटी, वो सलाद में जो यूज होती है, वो रेड वाला, वो क्या कहते हैं उसे? मूलियाँ होती है। मूलियाँ होती है वो? मूलियाँ नहीं, वो शलजम टिक्की एक किस्म होती है। मूलियाँ सलाद। हाँ ये वो लग ये रही वो है। चलो सही है। पे टमाटर है। नहीं मैं कहता हूँ कि ये चोरी से बचने के लिए ना हम लोग एक काम करते हैं कि अपनी इस खेती के इर्द गिर्द ना वो क्या होता है कांटों वाली चीजें लगा देने। ताकि कोई जो भी आए वो कांटों के साथ ही चिपक। हाँ कांटों के साथ चिपक जाए और हमारी चोरी ना हो। ये इतना खाने के लिए देता हूँ फिर भी गंद में मुंह मार रहा था जाकर। चल अंदर, चल अंदर, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, चल चल चल। अंदर जाने का कहा है तुझे, तू इधर मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा है। चल चल अंदर, अंदर चल, अंदर अंदर। तेरी ऐसी की तैसी। चल वो अंदर नहीं आ रहा। इसने मुझे भगा भगा कर पागल कर दिया। जुबैर भाई आ चुके हैं हमें क्रिकेट के लिए ले जाने। चलो जी जुबैर भाई। मुझे एक बात बता दो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। ओए कौन डके जे पीछे? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज अंदाजा हुआ है कि तेरी बड़ी फैन फॉलोइंग है यार। लोग क्यों क्रेजी हैं तेरे इतने बारे में, वजह क्या है? मैं उनको नशे की गोलियां देता हूँ ताकि वो क्रेजी हो जाए। खैर लेकिन मेरे भांजे यार। अच्छा इतने ज्यादा तेरे फैन है? मैं अच्छा। मैंने पूछा यार कोई खास वजह बताओ। हाँ। वो बंदा क्या कोई खूबसूरत है बहुत ज्यादा? हाँ। क्या खूबी है? हाँ। क्या आखिर क्या वजह? क्या अरे खूबसूरत तो है आपका भाई यार, ये आपको नहीं पता। चलो आपको लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो कोई मसला नहीं। क्यों यार मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं? है ना। सच बता रहा है बड़ी खुशी हुई है ये बात सुनकर। कभी भाभी से पूछे? हाँ, क्या कहती है? वो कहती है बहुत खूबसूरत हो माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे। आपने कभी भाभी से पूछे? हाँ पूछा होगा, भाभी ने कहा होगा। मैच खेलने के लिए हम लोग आ चुके हैं और पहला मैच बदकिस्मती से मेरी टीम हार चुकी है। अब दूसरा मैच जारी है, इसमें देखते हैं कि जी रिजल्ट क्या निकलेगा। एफर्ट तो वैसे पहले मैच में भी हम लोगों ने बहुत किया है। नो बॉल है, ये नो बॉल है, नो बॉल है, नो है कंफर्म नो है। 5 बॉल्स पे 20 स्कोर चाहिए दूसरी टीम को। पकड़ो पकड़ो, ये ओए यार 4 बॉल्स पे 19 स्कोर चाहिए। 19 चाहिए ना, 19 चाहिए। चलो ठीक है, बस जीत गए भाई, ये मैच हमारा है। दूसरा मैच हमारी टीम जीतेगी। मैच तो यार बड़े है, बिकॉज बेस्ट ऑफ 3 आखिर में हो गई थी, लेकिन वो हम हार गए हैं। यार छोड़ो यार, मेरी टीम के खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं। वो यार बात सुनो, मेरे माइंड में एक चैलेंज आया, वो करें? नहीं, वो यार कर ले यार। कह रहा रहने दे। चैलेंज का नाम है स्लैपिंग चैलेंज, ठीक है? मतलब हार्डेस्ट स्लैपिंग चैलेंज। 2-2 बंदे बन जाते हैं, ठीक है? जैसे कि तू और सलमान, मैं और शबान और गफूर और सिराज, ठीक है? Okay. तुम दोनों ने एक दूसरे को चपेट मारनी है, तुम दोनों ने एक दूसरे को एक चपेट मारनी है, और मैंने और शुभान ने एक दूसरे को चपेट मारनी। और जिसकी चपेट सबसे ज्यादा जोर से लगेगी ना, मतलब जिसके मुतालिक सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे कि इस बंदे ने बहुत हैवी चपेट मारी है दूसरे बंदे को, उसको मैं कल या परसों वाले व्लॉग में 20,000 रुपए का इनाम दूंगा। हाँ जी, सैलरी आ गई, सैलरी कटी। चलो पहले तू और सिराज करोगे, ठीक है? अच्छा चपेट का रूल सुन लो, चपेट ज्यादा दूर से नहीं मारनी, बिकॉज वो जरा बहुत जोर से लग जाएगी दूसरी पार्टी को। तो चपेट का रूल ये रखते हैं कि बस यहाँ से ना, मतलब इतनी दूर से ही चपेट ऐसे मार दो बस, ठीक है ना? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहली चपेट तू मारेगा, चलो ठीक है? रेडी है? चलो थोड़ा पास पास हो जाओ। 3, 2, 1 गो। भाई इसकी स्लैब में इतना ज्यादा जोर नहीं था। अब देखते हैं हमारे दूसरी खिलाड़ी की फोर्स। 3, 2 यार इसका हाथ नीचे करो, नहीं हाथ नीचे रखना है। 3, 2, 1 गो। ये लगी है अभी, मेरी बारी दोबारा खत्म हो गई है। अगले बंदे आओ। अब जी अगले प्लेयर हैं हमारे सलमान और इब्रार। अब इनमें से जिसकी हैवी चपेट होगी उसका नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है? फिर हम लोग करेंगे वोटिंग कि किसके सबसे ज्यादा कमेंट है, उसको देंगे 20,000 रुपए का इनाम, ठीक है जी? रेडी? चलो जी सलमान तू पहले करेगा। हाँ जी, 3, 2, 1 गो। ओए तुम लोगों ने कमिटमेंट तो नहीं की, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। चल अब तेरी बारी। 3, 2, 1 गो। ओए तुम दोनों ने कमिटमेंट किया ना आपस में। चलो कोई नहीं, खैर है 20,000 मिलेगा तुम लोगों को। आजा शुभान, तू और मैं लेते हैं आज बराबर कर लेते हैं। नहीं यार, खेलना है तो सही से खेलना, ठीक है? चलो 3, 2, 1 ये ठीक है। अब मैं बहुत हैवी मारूंगा। आजा। 3, 2, 1 10,000 मेरा। मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। शायद मेरे पैसे बच जाएंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि सबसे हैवी चपेट मारी है इनको। चलो यार आओ, चले घर चले, बिकॉज अम्मा अब्बा आ चुके हैं। और गुड न्यूज़ भी मैं सुना दूं कि जो मैंने सरप्राइज अम्मा अब्बा के लिए अरेंज किया है ना, उसका भी सारा इंतजाम हो चुका है। कल बस उठते ही ना सरप्राइज वगैरह दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से पहुँच गए? अब्बा जान किधर है? सो गए इतना टाइम से? चोरी नकाश भाई भी सो गए हैं। चलो सोते रहो जनाब। अब्बू भी सो गए हैं। भाई क्या बना रहा है तू अपने लिए? केवा। चलो केवा बनाओ। हमको तो क्रिकेट खेलने के बाद लग रही है भूख, तो शायद कुछ खा पी लूं या फिर ना खाऊं। अगर तो नहीं खाया तो फिर भाई सो जाऊंगा, और अगर खा लिया तो फिर सोते सोते हमें 3-4 बज ही जाएंगे। ये क्या प्यूरी एजल की ये मैं नहीं खा सकता, ये तुम खाओ, ये लो पकड़ो। अब बस जी अपने भाई को दें आज के ब्लॉग से इजाजत, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, पुश द बेल आइकन ताकि हर आने वाला नया ब्लॉग आपको घंटे में जाके नोटिफिकेशन देता है। बाय बाय। All my lessons parece saber cuando volver a mí. Of all my blessings, all my blessings.